आप मार्केट को पहले विजिट तो करो, इस प्राइस बजट में दूसरी कंपनीज क्या दे रही हैं और हम क्या लोगों को ऑफर कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम साजिद है। लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे वीवो इस साल कुछ अच्छा जरूर करेगा, कर दिया। वीवो ने अपना एक नया स्मार्टफोन Y15s को पाकिस्तानी मार्केट में चुपके से लॉन्च कर दिया है विदाउट एनी एडवर्टाइजिंग। अब इसको चुपके से क्यों लॉन्च किया है, इसकी रीजन भी मैं आगे चलकर आपको बताता हूं। लेकिन अगर आप वीवो के फ्लैगशिप बाय करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए पूरे 24,000 पे करना पड़ेंगे। मानना तो पड़ेगा, और ये भी मानना पड़ेगा वीवो चूना लगाने से हटने वाला नहीं है, और आपको ये भी मानना पड़ेगा इसमें कसूर वीवो का भी नहीं है। खैर दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको Y15s बाय ना करने की कुछ रीजंस बताने वाला हूं। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आप ये बात जानते होंगे, मैं किसी भी स्मार्टफोन को इतना स्ट्रॉन्गली रिजेक्ट नहीं करता हूं, क्योंकि ये बात मैं भी जानता हूं, हर स्मार्टफोन एक डिफरेंट कैटेगरी को टारगेट कर रहा होता है। लेकिन कुछ ऐसे स्मार्टफोन्स भी आते हैं मार्केट में जो किसी एक कैटेगरी में पूरा ही नहीं उतरते हैं, और ये स्मार्टफोन भाई उन्हीं में से एक है। आपको ये स्मार्टफोन बिल्कुल भी बाय नहीं करना चाहिए। आगे चलकर मैं आपको इसकी रीजन भी बताता हूं। वीडियो पसंद आ जाए लाइक कर देना, और अगर आप मेरी किसी बात से इत्तफाक ना करें तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना मैं जहाँ पर गलत हूँ। मुझे आपकी राय का इंतज़ार ज़रूर रहेगा। चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, शैतान आपको इस नेक काम से ज़रूर रोकेगा। दोस्तों, इस स्मार्टफोन की प्राइस आई है 24,000, लेकिन ऑफलाइन मार्केट में डिस्काउंट भी मिल जाता है, तो आपको ये स्मार्टफोन 22,000 से 22,500 में इजीली मिल जाएगा। लेकिन फिर भी ये स्मार्टफोन वैल्यू फॉर मनी नहीं है। चले इसकी रीजंस भी मैं अब आपको बता देता हूं। सबसे पहली रीजन दोस्तों, इस स्मार्टफोन का डिस्प्ले है। आपको यहां पर 6.6 इंचेस का एक आईपीएस पैनल मिल जाता है, जस्ट 720 की पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ। अंडर 30,000 के प्राइस बजट की बात करें दोस्तों, तो हमें यहाँ पर 1080p तो क्या भाई एमोलेड डिस्प्ले मिलना स्टार्ट हो चुके हैं। इवन के अब मैक्सिमम कंपनीज हमें यहाँ पर 90Hz का रिफ्रेश रेट दे रही हैं, और कुछ तो हमें यहाँ पर 120Hz का रिफ्रेश रेट भी दे रही हैं। लेकिन यहाँ पर आपको रिफ्रेश रेट तो दूर की बात है, 1080p का भी डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता। तो यार, ये स्मार्टफोन वैल्यू फॉर मनी कैसे हो सकता है? ये बड़ी अच्छी बात कही है। डेफिनेटली दोस्तों, वीवो वाले हमें यहाँ पर चूना लगाने की कोशिश कर रहे हैं। एटलीस्ट आपको यहाँ पर 1080p का डिस्प्ले मिलना चाहिए था। अगर वीवो की ब्रांड वैल्यू ज्यादा है, चले मैं मान लेता हूँ, यार इसका ये मतलब भी नहीं है आप कुछ भी चीज उठाकर हमें बेच देंगे। कुछ तो खुदा का खौफ करो यार। और मैं अपने व्यूअर्स को भी कहूंगा दोस्तों, अगर आप 2022 में कोई स्मार्टफोन बाय करना चाहते हैं तो 25,000 के प्राइस बजट तक आपने 720 वाला डिस्प्ले आप बाय ही नहीं करना। कम से कम वो डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन बाय करें जहां पर आपको 1080p की पिक्सल रेजोल्यूशन मिल रही हो, क्योंकि आपको एक अच्छी कम से कम डिस्प्ले परफॉर्मेंस तो मिल जाएगी इस स्मार्टफोन में। चलें डिस्प्ले को एक सेकंड के लिए इग्नोर भी कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं हम इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस यानी कि चिपसेट की। तो भाई यहां पर यूज किया गया MediaTek का हीलियो P35 का चिपसेट। मेरा ख्याल है ये वही चिपसेट है जो सैमसंग अपनी S20 अल्ट्रा वाली सीरीज में यूज करना चाहता था, लेकिन ये काफी पावरफुल है तो उन स्मार्टफोन्स में ये हैंडल नहीं होना था। मतलब क्या यार, कुछ भी यार, कुछ सेंस होती है। ये वो चिपसेट है जो टेक्नो और इन्फिनिक्स जैसे ब्रांड्स ने आज से 6 महीने पहले यूज करना छोड़ दिया है। अब आप वो चिपसेट हमें 24,000 में थोपने वाले हो, कुछ अक्ल वाले काम करो यार। ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं, बट सोचेंगे। मेरी समझ से बाहर है वीवो को हो क्या गया है। इससे पहले इन्होंने दो ऐसे स्मार्टफोन 2021 की बात करें तो ऐसे लॉन्च किए थे जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं थी, लेकिन फिर भी दोस्तों आप लोगों ने उस स्मार्टफोन को बाय किया। मेरे व्यूवर्स ने तो बाय नहीं किया होगा, लेकिन पाकिस्तानी में लोग ऐसे स्मार्टफोन्स को बाय कर लेते हैं। इवन के बाय तो नहीं करते, दुकानदार आपको चिपका देते हैं, आपको बोलते हैं यार ये स्मार्टफोन बहुत ही ज़बरदस्त है, इसकी भाई लुक देखो। लुक पे लोग मर के स्मार्टफोन बाय कर लेते हैं, उनको ये पता ही नहीं होता हमें किस प्राइस बजट में ये क्या चीज़ देने की कोशिश कर रहे हैं, और हम लेकर घर आ जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद बोल रहे होते हैं यार हमारा स्मार्टफोन स्लो है, जब वो आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ही नहीं है, आपने जो पैसे दिए हैं उसके मुताबिक उसमें चीज़ें ही नहीं है, तो फिर स्मार्टफोन आपको परफॉर्मेंस भी क्या देगा। खैर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं हम इस स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप की। तो भाई यहां पर आपको फ्लैगशिप कैमरा सेटअप मिल रहा है। मोबाइल फोन के बैक पर आपको ड्यूल कैमरा सेटअप मिलेगा, 13 मेगापिक्सल 2 मेगापिक्सल। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट पर आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिल रहा है।
मतलब यार कुछ ऐसा छोड़ा ही नहीं है इन्होंने जो मैं बताते हुए कुछ मतलब झिझक फील करूं यार, ये चीज अच्छी भी है स्मार्टफोन में, यार कुछ भी अच्छा नहीं है। 24,000 में ये स्मार्टफोन हमें जो देने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा ख्याल है अगर हम स्मार्टफोन की प्राइस को स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से देखें तो ये कोई 15-16,000 वाला स्मार्टफोन बनता है। इवन के 15-16,000 में भी हमें टेक्नो और इन्फिनिक्स इससे अच्छे स्मार्टफोन दे देंगे, लेकिन भाई वीवो आपको चूना लगा ही रहा है और लगाता ही रहेगा अगर आप लोग नहीं सुधरेंगे। आगे बढ़े और बात करें अगर हम स्मार्टफोन की रैम रूम वेरिएंट की, तो भाई यहाँ पर आपको 3GB की रैम देखने को मिलेगी और 32GB की इंटरनल स्टोरेज है। इस प्राइस बजट में हमें 6GB रैम मिल चुकी है और 128GB की स्टोरेज मिल चुकी है। आप खुद अंदाजा लगाएं दोस्तों, कहां 3GB और 32GB, कहां 6GB एंड 128GB, कोई कंपैरिजन बनता है? लेकिन वीवो कर रहा है भाई, मेरी समझ से बाहर है। इनकी जो टीम बैठी है, जो पाकिस्तानी मार्केट को मैनेज कर रही है, वो क्या प्लानिंग करके बैठी है, उनकी क्या स्ट्रेटजी है, मेरी समझ से बाहर है। कुछ खुदा का खौफ करो यार, कम से कम मार्केट के हिसाब से तो चलो, आप मार्केट को पहले विजिट तो करो। इस प्राइस बजट में दूसरी कंपनीज क्या दे रही हैं और हम क्या लोगों को ऑफर कर रहे हैं, कुछ स्ट्रेटजी नहीं है भाई आपकी। चले यार इतना कुछ इग्नोर कर दिया, कैमरे को भी इग्नोर कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ की। यहाँ पर आपको 5000mAh की काफ़ी बड़ी बैटरी देखने को मिलती है, इम्प्रेसिव है। लेकिन यहाँ पर आपको कोई फास्ट चार्जिंग नहीं देखने को मिलेगी, यानी नॉर्मल ये आपको 10W का चार्जर ही देने वाले हैं। लेकिन जाते जाते वीवो ने एक एहसान आप पर ज़रूर कर दिया है, आपको यहाँ पर 5W की रिवर्स चार्जिंग भी देखने को मिलती है, यानी आप इस स्मार्टफोन से किसी दूसरे स्मार्टफोन को भी चार्ज कर सकते हैं। इतना बड़ा एहसान कर दिया है यार, कोई फास्ट चार्जिंग वाली भी सेंस पैदा कर लो यार अपने अंदर। कम से कम 18W की फास्ट चार्जिंग यहाँ पर होनी चाहिए थी और हमें बहुत सारे ब्रांड्स की तरफ से मिल चुकी है। अगर हम इस स्मार्टफोन का कंपैरिजन करें तो मेरा ख्याल है, मैं ज़्यादा कुछ ना भी सोचूं तो एक स्मार्टफोन मेरे माइंड में आ रहा है जो सेम प्राइस के साथ है दोस्तों, वो टेक्नो पो है। इससे मेरा ख्याल है मैं दर्जे भी गिनवाना चाहूँ तो बहुत कम है, इतने दर्जे अच्छा स्मार्टफोन है इस स्मार्टफोन से। तो मेरा ख्याल है अगर आप बाई करना चाहते हैं तो फिर उसकी तरफ चले जाएं। वैसे भी इससे भी ज़्यादा स्मार्टफोन आपको इस प्राइस बजट में बहुत सारे मिल जाएंगे जो आपको इससे अच्छी स्पेक्स ऑफर कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है दोस्तों आपको इस चूने से बचना चाहिए, कम अज़ कम वीवो को ये रियलाइज़ हो कि पाकिस्तानी पब्लिक भी आप थोड़ी सी सुलझी हुई हो चुकी है, वो लेने से पहले भाई सोचते हैं और वो ऐसी चीज़ लॉन्च करने से पहले 10 बार सोचें। अगर आप और मैं से आने होंगे तो भाई वीवो को कुछ समझ आएगी, अदरवाइज वो चूना लगा रहे हैं, लगाते रहेंगे। अब भी अगर आप ये स्मार्टफोन बाय करते हैं तो भाई आपकी मर्जी है, पैसे आपके हैं, मेरा काम था आपको बताना, बता दिया, आगे आपकी मर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर मैंने कुछ गलत बोला तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे, ताकि मैं अपनी गलती को सुधार पाऊँ। आई होप कि मैंने ठीक बताया, लेकिन आपका भी अपना नज़रिया कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।